ओके दोस्तों, नमस्ते आदाब, श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्ट, स्वागत है आपका इस सेशन में। सो मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसएफएम मॉड्यूल से डायरेक्टली उठा के आप लोगों को दे रहा हूं मैं। अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस क्वेश्चंस है गाइस, प्लीज ये 75 प्लस क्वेश्चंस जो अभी मैं आप लोगों को मार्क करवा रहा हूं, इनको प्रॉपरली सॉल्व करके जाना है। एंड तक वीडियो को सुनना, बिकॉज और भी कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है, स्पेशली फॉर एसएफएम। सो 75 प्लस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए मार्क करवाए हैं, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही मार्क कराए हैं, सो दैट यू कैन इजीली डू इट। सो आपके पास कोई भी ऑथर की बुक हो, बाय डिफॉल्ट उसने मॉड्यूल के सारे सम्स लिए ही होंगे, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस लिस्ट। ठीक है, ये वाला लिस्ट अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया, देन इन दैट केस आई कैन अश्योर यू दैट इजिली 50-60 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आप सॉल्व कर पाओगे इन द मेन एग्जामिनेशन। So, यहां पे मैंने क्या किया है, हर एक चैप्टर का जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का सम ले लिया है। सो यहां पे फर्स्ट पार्ट जो है इधर मॉड्यूल के सम से मार्किंग है, सेम टू सेम सम ऑप्टिमाइज्ड में भी आपको मिलेंगे। तो आपके पास अगर ऑप्टिमाइज्ड है, देन इन दैट केस आप ऑप्टिमाइज्ड का नंबर रेफर कर सकते हो, और एनी अदर बुक विच यू मे हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ आप लोगों को मैं और भी चीजें बताता हूं एक बार, जस्ट अ मोमेंट। जितने भी थ्योरी वाला पार्ट है उसके बारे में भी आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि सारे क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है तो कोवेरियंस, को एफिशिएंट कोवेरियंस, कोरिलेशन का एक क्वेश्चन ले लिया जो एक मास्टर सम जैसा है। बीटा सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क का एक क्वेश्चन ले लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न का, शार्पे इंडेक्स मॉडल, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, तो सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कवर्ड है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मतलब आपको इतना आप लोग ने क्वेश्चंस कर लिया तो मेजरली सारे कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका एक पीडीएफ बना दूं जहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे मार्क किए वो लाइन बाय लाइन आ जाए, देन इन दैट केस डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। डेफिनेटली मैं वो एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हूं। सो ये अगर आप लोग बराबर कर लेते तो यहाँ पे देखो, जैसे म्यूचुअल फंड है, फ्रंट एंड बैक एंड लोड का, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड डेज, शार्पे ट्रेनर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का, सो ऑल ऑफ दिस इज देयर। प्लीज इसको रिफर करना, एज आई टोल्ड यू ओनली 75-80 सम्स, बट अपना पूरा एसएफएम, बिकॉज अभी आपका सेकेंड थर्ड रिविजन स्टार्ट होने वाला है तो आपके पास टाइम कम है, एंड वो कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। सो अब आपके पास, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो हार्डली 4-5 days है आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए। इवन इफ यू आर गिविंग अ सिंगल ग्रुप तो भी 7-8 days है, और उसमें इतना सारा पोर्शन कवर करना है, राइट? सो दैट इज वेयर दिस इज गोइंग टू बी रियली हैंडी फॉर यू। एंड जैसा मैंने बोला, इसका पीडीएफ इफ यू वॉन्ट यू कैन लेट मी नो इन कमेंट। एंड ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर शेयर कर रहा हूं, डू डाउनलोड इट। बाकी कुछ जनरल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर एसएफएम, सबसे पहले प्लीज इसको फेज वाइज पढ़ो, ठीक है? मैंने अपनी तरफ से एक फेज बनाया है, 4 phases बनाए हैं इसके। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन को एज अ फेज पढ़ो, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स को एज अ फेज पढ़ो, दैट विल रियली गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। तो आपको एसएफएम ऐसा एक पूरा सब्जेक्ट नहीं, आपको इसको 4 parts में डिवाइड करना है। एंड जब आप इतने बड़े सब्जेक्ट को एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, तो चीजें थोड़ी ईजी हो जाती है। फोर्थ फेज मैंने पूरा थ्योरी के लिए रखा है, जो अदरवाइज अपन ऑप्शन में छोड़ देते हैं या लास्ट डे के लिए रखते हैं, डू नॉट डू दैट। पेपर्स लाइक May 23 हैव प्रूवन दैट अगर आपका थ्योरी के ऊपर कमांड हो, देन इन दैट केस अ डिफिकल्ट पेपर ऑल्सो बिकम्स ईजी, बिकॉज 25 marks आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। एंड उसके लिए मैंने 15 pages का ये पूरा एक थ्योरी का समेशन लाया है फ्रॉम योर ICI मॉड्यूल, एंड May 23 के एग्जाम के पहले लॉन्च किया था। अभी मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, यू विल नॉट बिलीव दैट। इसी में से सारे क्वेश्चन जो May 23 का डिफिकल्ट पेपर था, बट स्टिल देयर वर 6 theory questions, ऑल वर फ्र�m दिस थ्योरी 15 pages। सो लास्ट के लिए मत रखो ये 15 pages का, एटलीस्ट एक छोटा सा प्रिंट ले लो, एंड चलते फिरते उठते जागते जब भी आपको चाहिए आप इसका रिविजन कर सकते हो। इसका मैंने 1 hour का रिविजन सेशन भी बनाया, यू कैन रिफर दैट ऑल्सो। मेनी मोर थिंग्स कमिंग अप फॉर योर एसएफएम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला शीट्स एंड एवरीथिंग, सो कीप सब्सक्राइब एंड कीप रीडिंग फॉर दैट। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। ये फेस का आप एक फोटो ले सकते हैं, यू कैन डिवाइड इट, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
नेक्स्ट है सॉल्व ऑल इंपॉर्टेंट माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय हैंड, डोंट ऑडिट एस एफ एम। देखो मेरे साथ एक गलती हुआ था, मैं आपको बताता हूं। मैंने ना एस एफ एम का थोड़ा प्रैक्टिस कम किया था मेरे एग्जाम के टाइम पे, और फॉरेक्स का एक क्वेश्चन आया था एज इट इज फ्रॉम द मॉड्यूल, जेपीवाई और रुपीज का एक सम था, बट बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था ना, वो एक सम में जो हार्डली था 10 मार्क्स का, ऑलमोस्ट मेरा 20-25 मिनट चले गया, फाइनली आंसर आया करेक्टली, बट उस दिन मुझे रियलाइज किया यार थोड़ा मुझे और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था, देन इट वुड हैव बीन मच इजियर। एंड ऐसा अपने साथ कितनी बार एग्जाम में होता है, स्पेशली एस एफ एम एग्जाम में, जहां पे अपन लोग राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से सम 50% सॉल्व हो जाता है, बट उसके आगे अपन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। वो जो थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लिख ले लेते हो ना बाय सॉल्विंग, देन इन दैट केस इट विल बी अ बिग बूस्ट टू यू, एंड ये एक सब्जेक्ट आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है ग्रुप वन के लिए। सो प्लीज बाय हैंड सॉल्विंग रखो, और इसके लिए मैंने आपके लिए 75 स्पेशल सम्स पिकअप करके रखा है बॉस, खाली इतना प्लीज कर लो हाथ से सॉल्व, यू नो लाइफ विल बी वेरी मच सॉर्टेड। कीप योर ओन फॉर्मूला शीट रेडी, यस बहुत सारे फॉर्मूला शीट्स के नोट्स और ये सब अवेलेबल है, बट एक खुद का हैंड रिटन होना चाहिए सो दैट यू कैन रिफर इट एट द एंड, एंड जब आप खुद से लिखते हो ना तो सबकॉन्शियसली चीजें आपके दिमाग में जा रही है, विच विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। डोंट कीप थियोरी फॉर लास्ट डे, 15 डेज का रिविजन है, 15 पेजेस का रिविजन है आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है, एंड खाली 45 मिनट्स का आपको लेक्चर सुनना है, दैट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल। मैं आपको उसका भी लिंक साथ में शेयर कर दूंगा। कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, डू नॉट कीप एनीथिंग इन ऑप्शन। देखो कुछ बोल नहीं सकते, लास्ट टाइम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में से इतना सारा आ गया था, फॉरेक्स डेरिवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लेट थोड़ा स्किप कर रहा है, उसको पता है अब आप ट्रेंड को देख के शायद छोड़ दोगे, वही बंपर डालेगा। अगर मेरा एक सजेशन है, इन केस आप कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ रहे हो और आपको कोई चैप्टर स्पेसिफिकली चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स, डू लेट मी नो, आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू फेज वाइज एंड चैप्टर वाइज लेक्चर्स फॉर एसएफएम आल्सो, सो इन केस वो भी चाहिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट वेबुकेट और संकल्पकांक्षा.in, एंड आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट एटलीस्ट 1 to 2 टेस्ट। अगर आपका खाली एक ही ग्रुप है, अभी का अभी हमारा टेस्ट सीरीज एनरोल कर लो फॉर phase 1, phase 2, phase 3, phase 4। सर मार्केटिंग कर रहे हो? नहीं, फॉर योर बेनिफिट। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर आपका दोनों ग्रुप है, देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट एटलीस्ट एक या दो फुल टेस्ट दे देना। जब आप टेस्ट लिखोगे ना एस एफ एम जैसे सब्जेक्ट का, मैनेजेबल है, बट कई बार आप कहां पे अटक रहे हो ना वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, सो दैट आपका प्रिपरेशन कैन बी मैनेज प्री हैंड एंड एग्जाम टाइम पे कोई पैनिक सिचुएशन ना हो जाए। सो प्लीज फॉलो दीज गाइडलाइंस फ्रॉम माई एंड। बाकी आपको मेरी तरफ से और कुछ भी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हैप्पी टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एस एफ एम फॉर एनी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए, प्लीज कमेंट में डाल दो, विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। चलो गाइज, साइनिंग ऑफ, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, मिलते रहेंगे और भी काफी सारी चीजें, अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।